आधार। अरे जियो शेर जियो बहादुर। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार संतोष लाल यादव गाजीपुर टड़वा से, ओ माटी से, ओ बाग से, ओ फूल से, जौने घराना में बिरहा सम्राट फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के आप लोग निरहुआ बनौली में बिरहा रिकॉर्ड के चैनल के बैनर तले यह बीरहा मैं छोड़ रहा हूं बड़े भैया प्रकाश यादव मलदहिया वाराणसी के देख रेख में यह बीरहा जा रही है। हमरा के आशा ना पूरा पूरा विश्वास बाकी आप लोग जरूर पसंद कर जाइए। प्रकाश भैया मलदहिया वाले के बारे में आप लोग जनते बड़ी, भगवान उनकर यही तरह उम्र बढ़ावत रहे कि हम कलाकारन के यही तरह गवावत रहे। एक बिरहा आप लोग के बीच में ऐसा सुनाओ जाती एकदम नई बिरहा हासरस के एकदम परता भेटा जाए भूमिका के लाइन में कभी जी लिखत हूं कैसे मास्टर। जो जमाने को समझा विवेकी नहीं वरना मूर्खों की श्रेणी में आ जाता है। जिनके अंतःकरण में उजाला नहीं व्यर्थ दूसरे को दीपक दिखा जाते हैं। मान सम्मान खोने का कर्तव्य करके अंत में अपनी करनी पछताते हैं। ये श्याम देव दुख के भवर में वो फंस के मुंह छिपा करके जग में सहम जाते हैं। एक लाइन गजल लगल मास्टर कैसे। आसमां से अरे आसमां से उतारा गया है जिंदगी देकर मारा गया है। क्या बात है कवि जी भाव लिखत हूं कैसा उल्टा इस जमाना को देखते हुए कवि लेखनी इशारा कर रही है। क्या लिख रहे हैं कवि जी कैसा उल्टा
हुआ है जमाना, कोई सती कोई कुंता जनाना। अरे जिया बहादुर, कैसा उल्टा हुआ है जमाना, कोई सती कोई कुंता जनाना। अप्सराएं है उतरी धरा पर, अप्सराएं है उतरी धरा पर, जिनके सौंदर्य पर है लुभाना। धरा पर है लुभाना, कभी जी इस जमाने को देखते हुए लिख रहे हैं। एजके से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। राजा रूपक अपने दरबार अपने नगर का भ्रमण करवदे निकलल हुवन। ओ समय के बाद राजा साहेब के नगर में घूम रहल बा। एजके से कहानी की शुरुआत हो गई। राजा रूपक चले घूमने नगरिया में, घूमत गईला एक ठे बूढ़ा के दुवरिया में। घूमत घूमत राजा धीरे धीरे कुछ दूर चलत गईलन। जब गईलन तो देखलन का सिंगार सोर हो कई के नारी एगो बैठल बा। जवानी कस्मत पूरा अंग अंग ऐठल बा। राजा साहब सोचे लगलन, लग रहा है कोई माजरा जरूर है। राजा रूपक पड़े शंका वाला घेरा में। कैसन माजरा बा सुबह वाला बेरा में। नारी बोलल तबले बुद्धा से बचनिया हो, नारी बोलल तबले बुद्धा से बचनिया हो, जल्दी लाओ कुत्ता लोटा में पनिया तू। डांट करके ओ नई नबेली दुल्हन पूरा सोरो हो सिंगार कहके, ए मनोज भैया संजय भैया सुंदरता को करे कोनो जोड़ नहीं खे। राजा साहब जात हो कौड़ा बरले हजारा का टाइम है। देखले राजा साहब पहुंचल हुवन, जब करे तरफ गईलन बुढ़ावा के डांट के कले, बुढ़े दिख नहीं रहा है तुम्हें, ये हमारे नगर के राजा साहब हैं। तो क्या देख रहा है कुत्ता। जब राजा साहब सुने कुत्ता, राजा साहब सोचे लगले कौनो न कौनो ही गलती बुढ़वा जरूर कैले बा, अच्छा है ये कैले होखे। पानी उनी पियलन तब ले चल गए चाय हो जाने। तले बुढ़ऊ कलम बेटवा, अब उम्र में हमारे लैके लगवा, गलती जवानी में कई बैठली बेटा। ओ समय बुढ़ऊ दादा राजा साहब के बतावत हो तो एक लाइन गीत लगल मास्टर। वह गीत के तर्जबा
पिया पिया रटता पियर भैल दे रे सखिया तो पिया मतला बाबा के यार पीतल भागल रे सखिया बुढ़ो दादा कहल बेटा तू तो नगर का राजा हुआ लाल बटला बड़ा राजा बेटा लेकिन अपने दिल के बात कुछ हम कह सकीला राजू साहब एक टकोरी कहल कि दादा तू अपन पूरा दिल के बात हमके बतावा कुछ हमरो समझ में आई तो हम सजेशन दे कुछ हल्लू खो जाओ तो बुढ़ो दादा बतावत हूँ का बतौलन अखिया में आंसू भरी बोलल बा बुढ़वाए बचावा अखिया में आंसू भरी बोलल बा बुढ़वाए बचावा अरे बचावा चुतिया होल साढ़े तीन कर मामा के नए बचावा चुतिया होल साढ़े तीन कर मामा के राजा साहब कथों के भी बात हमारे समझ में आओ थे दादा आखिर तू कहल का चाहत हवा अरे बेटा ना समझ में आवता फिर बतावत हूँ दादा अरे घरवा में रखे जे सयान बिटिहिनिया ए घरवा में रख जे सयान बिटिहिनिया दूसर का नैहरा में छोड़ नार चढ़ली जवनिया नार नार अरे जेकर मौगी ओली नमकीन ए बेटा पहला काम कि सयान बहन बेटी घर में ना रखे के चाहिए दूसर का कि अगर अपन नई नवेली दुलहन है तो ससुराल में मत छोड़ा तीसर का अरे जेकर मौगी होली नमकीन अरे जेकर मौगी होली नमकीन करा मावा के ही नए बचावा अरे जेकर मौगी होली नमकीन कर अरे जियो बहादुर और बतौलन तीसरी बात का तीसरी बात बतावत हूँ बिना लिखा पढ़ी अग्रिम देला पैसा तीसरा नंबर चुतिया वो ओला के जेब बिना लिखा पढ़ी के रुपया पैसा धन दौलत दे देला अगर केहू के आड़े आठे दे देबा तो सोचा कि बाद में तोहर दे दे न दे उहे बताओ तू बिना लिखा पढ़ी गरीम देला पैसा आ दूसरा नंबर चुतिया में आवेला वैसा साढ़े तीन प्रकार के चुतिया वो होला जे पंचायत मुंह देखल बतियावेला तू बड़ा हुआ तो तोरी ओर से अगर गरीब हो कोई तो न्याय करे वाला 100 में 10% हो लोग पैं रुपया घूम जे तो भैया साढ़े तीन नंबर के चुतिया वो होला के मुहू देखल पंचवा अरे मुहू देखल पंचवा बिहीन कर मावा के ही नए बचावा अरे जियो बहादुर राजा साहब
कि बात पूरा समझ में आ गई। सोचे लगलन कि गलती तो हमहू कैले हई, कि बुढ़ावा सही कहत। एकर बात हम कुछ तनी उतारी जीवन में। राजा साहेब हवन, उनके माथा टनक गल। वही समय कवि जी के लिखे के पड़ल है भैया, राजा साहेब मने मने सोचत हवन तेरी के बहा लगे मास्टर। अरे होते हैं साढ़े तीन चूतिया, अरे हाय, होते हैं साढ़े तीन चूतिया, खोकर विवेक अपनी करनी पर है रोते यारे रोते यारे रो। राजा साहेब सोचे लगलन, का सोचे थवन एजके चौक लगल मास्टर। राजा साहेब सोचे थवन संक में पड़ गए राजा, जेकर मौगी ससुरारी हो, भेष बदल के चली भैले, बनिया के दुआरी हो, कल कुछ दिन औरी रहबे, दिया पूरी तरकारी हो, पाँच हजार रुपया ले लायर, पाँच हजार रुपया ले लायर, दिया पूरी तरकारी हो यारे, पाँच हजार। कहलन बनिया से क्या ला पाँच हजार रुपया, एजकम व्यापारी आई नगर में घूमत, घूम के आई दोनों बेला भोजन देत रही है। खाए बैठलन वही समय एक ठे हठा कठा पहलवान आई के बगलिए में बैठ गल। जब बगलिए में बैठ गल तो एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर। वह गीत के तर्जबा अपने जवानी के आलम में हमारे उस्ताद के उस्ताद लोग गावन, रामदेव गुरुजी गावन कैसे है गावे। अरे कोरी का तारिया ससु दैया जमावेली, कोरी का तारिया ससु दैया जमावेली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो कांधा मन मोए, ए भैया जवने समय भोजन कर बैठल बाड़न ओ समय भाव कवि जी लिखत हवन। कर बैठल जब राजा जी भोजनवा, आइलू हवा हाथ काठ तबल एक जमानवा, कहल सेठ से दे दा भोजन वहीन के हो चाहिए ऐसन जवान, कहल सेठ दे दा भोजन वहीन के हो, जब अपने नगर से बुढ़ऊ दादा के दरबार से निकलना राजा साहेब,
तो अपने ससुरार के लगे पहुंच गईलन। ससुररिये से पहलवा ऐठे होटल रहे नुकड़वे पे जाए के बनिया के 5000 रुपया देलन खाए बैठलन। तब ले ठे हाठा काठा जवान आयल बगल में बैठ गल। राजा साहब कहलन इनको भी भोजन दीजिए। बात विचार करत करत बात दोनों लोग का मेल खा गई कि भाई हम व्यापारी हैं नगर में राजा साहब के घूमे चले के बाद। कहले कि ठीक बा राजा साहब के दरबार में चलना है घूमने तो क्या दिक्कत है, वहां तो सब अपना राज है। तो भैल भैया खाना खात हो लोग तो भैल का बात समझ आके बाडी गाडू बनावल राज में घूमे के बात बात समझावल। चले के बात राजा के भवन मम्मी तऊ हो चाहिए सन जवान। ए भैया राजा साहब भोजन कर लेलन पहलवानों एकदम मनोज भैया मत रहलन एकदम सात फुट्टा पहलवान खा बोलते कलर मजे का खैलस। होटल वाला वो अंसागल लगत है जो राजा साहब जितना देले बड़ा रकम लगत है एक दिन खा जाई। खा लेलन जब ओकरे बाद एक आध दो मिनट बीतल पहलवान कहलन राजा साहेब के दरबार में चला जा घूमने के लिए। यो राजा बाड़ा लेकिन जानत ना बा पहलवान की राजा हूं। घूमे बदे राजा साहेब के दरबार के ओर पहलवान और राजा रूपक चलल हन। घूमत 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 वो अपने ससुरार के लगे गईलन। राजा रूपक तो राजा रह कैलन उनका ससुर भी राजा। जब महल के सामने पहुंचलन एक सुंदर परी एकदम रेलिंग पर हाथ रख के संजय भैया एकदम लगे कि अब बोल दे ही। के जना के गिर जाए। पूरा सीन देखा थे ओकर देखा ऐसे रेलिंग है ए, ये ऐसे पूरा ओन गई ले दोनों बरम बाबा लोग टुक टुक ताकत हूं। राजा साहब को नजर गई तो उसमें भैल कहे भैया एक लाइन तर्ज लग गई। राजा साहेब बुढ़ऊ के बात सोचत हूं अखन में ओकरे और कल्पना करत हूं क्या समान है यार ये तो गजब है। ई मने मने पहलवाना कुरहत है एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर माता बहिन लोग मेला में जाली मेला में जईहन तेठे गीत गावली। अरे काई हुई है सड़क पे रुमाल ले ले रही हैं पोछत रही हैं आ एक और होके देखत रही हैं कि कहीं देखा ना जाए हमारे ओकर पापा जरूर आए ले ए ए सखी ए ए तनी देखा ना उधरिया ना हो ए भैया ती है गावलीन। अरे कहीं हुई है सड़क पर अरे कहीं हुई है सड़क पर लखा तो हुई है कहीं हुई है सड़क पर तो गोले डाल के
रुमलिया, और गोल डाल के रुमलिया सुत हुई। इत गीत रहल, लेकिन राजा साहेब रेलिंगिया ताकत हवन, जोन सिनरिया देखात है ऊ का जाने की हमार दुल्हा बड़न, हमार परीक्षा ले आयल बड़न। आओ जोन बकलोलवा बा पहलवानवा वो अपने मन के फूलत है, ये तो देख रहा है मेरी माल को, ऊ का जाने की इनकरी मन से दू होवन। दोनों लोग गफलत में हवन, वो तो अपने यार के चक्कर में आयल बा। ते राजा साहेब सोचत हो, मने मने का सोचत हवन, अरे कहीं देखली ना ऐसन पलौना कले का हो कैसन कैसन। उनको नजर गड़ल है तो गड़ली हो, रेलिंग पे देखा था। यह कहत हवन, अरे कहीं देखली ना ऐसन, अरे सुघरा दुलाही कहीं देखली ना ऐसन। अरे सुगर दुलही चेहरा पवली चांद से सुपारा चिराई, चेहरा पवली चांद से सुपर चिराई, सुपर सुपर सुपर। पहलवनवा अब एकदम घबरा तो, एक बात और कहलन का वर्णन कर थो राजा साहब के सुंदरता का। रूपवा के सोनाई चेहरावा के पानी, अरे लागता की बिजली गिरा के कहीं मानी, कहीं देखली ना ऐसन सुधारा चिराई, कहीं देखली ना ऐसन सुधारा चिराई। जब राजा साहेब अपन बात वर्णन कब भइल सुंदरता का, तो पहलवनवा गले ए मेरी जान है, ए मेरी माल है, ये बची नहीं है, ये तो मेरी है। राजा साहब का माथा टनक गयल, बुढ़वा के सोचे थो खन में एकरी और ताकत हूँ कि बुढ़वा सही कहलस। फिर बात कहत सुना हम, एक बात खासियत बताओ थी, जौने से पहलवान वहां खासियत बताओ थो लड़किया के, ओ समय एक लाइन गीत लगल मास्टर। इत तर्ज हो गोरिया रे, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहाँ गिरी, बिजुरिया पहलवानवा कले राजा साहेब इधर आवा इधर आवा का कहलस। इहो बिजली गिरवला, इहो बिजली गिरवला से बाकी नहीं खे, इहो बिजली गिरवला की नहीं थे,
यो बिजली गिरावला से बाकी नहीं थे। यो बिजली गिरावला से बाकी नहीं थे। क्या बात है? एक बात फिर पहलवनवा कल ए राजा साहेब सुना एकर हई आम पक्काई अरावा एकर हई जब चाही ला सट जाई पजरावा पजरावा यो जाम छलकवला से बचल नहीं थे। यो जाम छलकवला से बचल नहीं थे। यो बिजली गिरावला से बाकी नहीं थे। यो बिजली गिरावला राजा साहेब कलन बस भाई कल अभी हमके शंका लगत थे। कल शंका किस बात की शंका? कल के रुका हम जाते दिखा देते तो घर में घुसल सीढ़ी पर जाकर खुट 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 जाके मुन 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 करे लगल। आई माई जब मुन 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 कहिला पकड़ के भर अखबारी राजा साहब कल ए भैया राजा साहेब वहां सुन के खाना पानी कहाँ निकलगता गई दुकाने बनीवा के कल कि मेरा पैसा जो है दे दीजिए मैं जा रहा हूँ अपने वतन अपने गांव। कल क्या बोलता कैसा पैसा राजा साहब के नीक ना लगा तो कुछ कल जो भाई राजा साहब आ गए अपना घरे राजा साहेब पाती भेज देते हैं जौने समय पाती भेजले बाड़न दोहा के भाव में कवि जी लिखत हवन भेज दिए गौना के दिन अरे भेज दिए गौना के दिन बारात गईली आई अरे भोजन करने गए मड़वा में राजा गए कोहाई पाती भेज दलन गौना के दिन आगल बरात अपन ले के गईलन राजा साहेब पहले खिचड़ी के परंपरा रह मैं सजल बा दरबार मार हाथी घोड़ा डोली से तो गईले रह जब विदाई के पहर आयल खिचड़ी खाए के अपने मन के बर्तिया खाए के भूखत हमन सब खा पी भयल जब उनकर बारी आई कोहा गईलन कल नाना ऐसे नहीं राजा साहेब आप बहुत सेवा किए है जोन मीठा उठा बनैले बड़ा बड़ा बढ़िया बनैले बड़ा मिस्त्री त्वार हलवाई कुछ हट्ठा कट्ठा जोन पहलवान हन हमरे राज में उनकर जरूरत बा राजा साहब कहते हैं अरे भैया कुछ और दूसर मांगा ये कुल मांगत हम जानी कि कुछ बड़ा चीज मंगवा कले नहीं आप नहीं समझते हैं हमें हलवाई और न्याय करने वाले और पहलवान की जरूरत है। कले ठीक बा राजी हो गई लन आल्हा के भाव लगल मास्टर भैली विदाई भैली विदाई चलली वापस बरतिया बाबू राजा चल दूला इनके डोलावा फाना चल बाडी गाड संगे पंचा लवैया ए बाबू बिचराहिया में देला खेमावा गिरा
हे मावा गिरा के राजा, हे मावा गिरा के राजा, कुआ ना खनैले बाबू। हाथवा में लियो कटारे उठा, बोला बोला तोरा के। ए बाबू बीच राह में डोला को रोक देते हैं, नंबर से पूछत हो। बोला बोला तोहरा के देहली रुपया कितना, तनला हलवाई पांच पंच सिरना, दुलहिन के नंबर आगल। दुलहिन से पूछे अपना, दुलहिन से पूछे पहल, वान काई लगी है तोहार। नई हरे के नाते लगी है ओ मोरा भाई, राजा साहेब डोला लेके गईलन बगीचा में, कुछ दूर पहुंचलन आधी रास्ता, डोला रोक दिए। पंच हलवाई और दुलहिन और पहलवान के बारी बारी से पूछत हूं, कल हलवाई से तोके कितनी रुपया दे ली? कल 5,000। तो कल काहे ना देला? गले की गलती हो गई राजा साहेब, पहचान ना पूली। और जोन पंच लोग रहलन उनसे पूछल का हो, तोहनो लोग न्याय ना कीला। अच्छा पहलवान के बारी आई, दुलहिन के बलौन पूछलन की के हुन, कल की तो भैया लगी हो। कल तब ओ दिनवा कैसन मुन 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 करता लू, ए भैया भयल का। दुलहिन से पूछे पहलवान का ही लगी है, अरे दुलहिन से पूछे पहलवान का ही लगी है, अरे नैहर के नाते मोर लगी है भाई। दिनवा के भैया कसैया सबई को दिए कुआना में भठवाए बाबू, जियो शेर जियो बहादुर। ओहो राजा साहेब, पंच लोग के हलवाई के जे रानी रहलिन आ पहलवान के सबके पूछलन, सब फाल्ट मिलल, कुना खलमाए के राजा साहेब बठवा देलन। ऐसे कहल गल राजा साहब के सीख मिलल कि बुढ़ऊ जवन कहलन राजा साहेब बुढ़ऊ के एक एक बात पर ध्यान देत हूँ। जौन पुरनिया लोग हवन जौन कहलन उस सही कहलन, 40 बरिस बाद जो करके लाए शादी, अरे धनवा धारा मावा कहो ही बर्बादी। घूमी घूमी नेवान कटिया कचरी, अजब बुढ़ावती में लिया वेला जो
ए भैया उम्र 40 के बाद अगर मुन 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 खोजबा काम गबड़ा जाए। जब लटकानी आई तू चानी जाए के केहू के खेत दूसरे के चरी हन। तू केतनी हो दो बाबा दुबई है ना देश का साण घुमत हम। ऐसे कहती केहू के न्याय करिया तो मुंह देखल मत बतिया। आई गलती मत करिया कि हवा 60 के लिया दे हला 20 के फस जाई बात। बदनामी के सिवा कुछ न मिली और कभी भी बात कोनो छिपत नहीं। जे भी सुनत होई ऐसे जरूर सीख लई। हमरा के आशा ना पूर्ण पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के जरूर भी राह पसंद आई। कहना हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग गगय चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी होते हैं 3.5 चूतिया संतोष श्याम देव जी ज्ञान बीज बोते होते हैं 3.5 चूतिया हमार नंबर बा आप लोग के पसंद आई एक बार जरूर फोन कर जाई 97-92-52-73-96। भैया लोग अगर आप लोग के पसंद आई तो जरूर शेयर लाइक करल जाई।